हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एलिनी से। आज हम क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 14 विलोम शब्द, इसका हम रिवीजन करेंगे। ओके, इससे पहले हम चैप्टर को पहले एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? आप लोग ध्यान से सुनेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको एक रिवीजन टेस्ट दूंगी जो आपको करना है। ओके, तो सबसे पहले बच्चों आप ये बताइए, विलोम शब्द कहते किसे हैं? देखिए, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, जैसे धूप, छाया, हंसना, रोना। उपयुक्त शब्द धूप, छाया और हंसना, रोना एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द हैं और ऐसे शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। तो जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। यहाँ पर कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, इनको पहले हम एक बार देखते हैं। यू हैव टू लर्न दीज वर्ड्स। अंधेरा, उजाला, अधम, उत्तम, अर्थ, अनर्थ, अमृत, विष, आदि, अंत, आलसी, परिश्रमी, आज्ञा, अवज्ञा, उचित, अनुचित, उदय, अस्त, कठोर, कोमल, अग्रज, अनुज, अनुकूल, प्रतिकूल, आदान, प्रदान, आयात, निर्यात, आशा, निराशा, आस्तिक, नास्तिक, उग्र, शांत, उदार, अनुदार, उत्थान, पतन, गुरु, शिष्य, गुण, दोष, चल, अचल, जीवन, मरण, धनी, निर्धन, नवीन, प्राचीन, पाप, पुण्य, मंद, तीव्र, महान, तुच्छ, यश का उल्टा क्या होता है? अपयश। योगी, भोगी, वरदान, अभिशाप, संयोग, वियोग, दुर्गंध, सुगंध, स्वतंत्र, परतंत्र, हर्ष, शोक। ठीक है, हर्ष मतलब शोक, हर्ष मतलब खुशी और शोक मतलब दुख। चेतन, जड़, दीर्घ, लघु, धर्म, अधर्म, धरती, इसका ऑपोजिट होगा आकाश, पक्ष, विपक्ष, पूर्ण, अपूर्ण, महंगा, सस्ता, मान, अपमान, राजा, रंग, वीर, कायर, वसंत, पतझड़, सरल का उल्टा कठिन। ओके, सत्य का असत्य, स्वर्ग, नर्क और हानि, लाभ। तो स्मरणीय बिंदु देखिए, किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक रिवीजन टेस्ट देती हूँ और आपको वो अपने आप पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्रश्नोत्तर लिखिए। विलोम शब्द किसे कहते हैं? विलोम शब्द किसे, विलोम शब्द किसे, विलोम शब्द किसे कहते हैं? विलोम शब्द, फर्स्ट क्वेश्चन इज, विलोम शब्द किसे कहते हैं? सेकंड है, हानि और वरदान के विलोम शब्द लिखिए। हानि व वरदान के विलोम शब्द लिखिए। दीज आर टू क्वेश्चंस एंड इट इज अ 4 marks। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिए गए विलोम शब्द लिखकर रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। ठीक है, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। रेखांकित शब्दों के, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। वाक्य पूरे कीजिए, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। ओके, इज ऑफ 2 marks। फर्स्ट इज, दीदी आस्तिक है, शीला दीदी, शीला दीदी आस्तिक है,
बेटा डैश है, ठीक है। इसमें अंडरलाइन वर्ड है आस्तिक, रेखांकित शब्द है आस्तिक। सेकंड क्वेश्चन इज, कल का पेपर सरल था, कल का पेपर सरल था, अंडरलाइन वर्ड इज, रेखांकित शब्द है इसमें सरल। कल का पेपर सरल था किंतु आज का, किंतु आज का पेपर डैश है, ठीक है। इसमें रेखांकित शब्द है सरल, कल का पेपर सरल था किंतु आज का पेपर डैश है। आपको सरल का यहां पर ऑपोजिट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखिए एंड इट इज ऑफ 6 marks। फर्स्ट इज सुगंध, सेकेंड पाक, थर्ड राजा। ओके, सुगंध, देन पाक, राजा, नेक्स्ट इज संयोग, नेक्स्ट इज संयोग। इनके आपको विलोम शब्द लिखने हैं। फिफ्थ इज शोक एंड लास्ट इज उत्थान, ठीक है। लास्ट इज उत्थान, 4 and 2 6 and 6 12। तो टोटल आपका जो रिवीजन टेस्ट है इज ऑफ 12 marks। एक बार दोबारा से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विलोम, प्रश्नोत्तर लिखिए, विलोम शब्द किसे कहते हैं, एंड सेकंड क्वेश्चन हानि और वरदान के विलोम शब्द लिखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में शीला दीदी आस्तिक है किंतु उनका बेटा डैश है। आस्तिक अंडरलाइन वर्ड है, ये रेखांकित शब्द है, इसका आपको यहाँ पर विलोम लिखना है। कल पेपर सरल था किंतु आज का पेपर डैश है, ठीक है। यहाँ पर रेखांकित शब्द है सरल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, सुगंध, पाप, राजा, संयोग, शोक और उत्थान, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपको ये अच्छे से रिवाइज करिए और ये रिवीजन टेस्ट करिए, और नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 15 आपको एक बार लर्न करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रिवीजन टेस्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 15 का। थैंक यू सो मच।